देखो ये ग्रीन स्क्रीन से कैसे मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ये कुछ नई बात नहीं रही, हर क्रिएटर जानता है, नॉर्मल वीडियो देखने वाला भी जानता है कि भैया पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, ये कोई एनिमेशन चल नहीं रहा है। बट आप एज अ क्रिएटर, मैं आपको बताऊं कि क्रोमा का सेटअप करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मेरा प्रॉपर अभी क्रोमा कट पा रहा है, आपका क्यों नहीं कटता, इसका रीजन क्या है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो रोहित भाई नॉर्मल अपने फॉर्म में आ जाओ। देखो हमने हमारे ऑफिस में, जो मेरा ऑफिस है उसको ही चेंज कर दिया क्रोमा स्टूडियो सेटअप में। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, समझना है कहां गलती कर देता है क्रिएटर। तो बेसिकली जब भी क्रोमा के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बड़ी टेक्निकल बातें करेंगे। यार मैं बिल्कुल जिस तरीके से हमेशा से 4 साल पहले से मैं रॉ में समझाते आया वैसे ही रॉ में समझाऊंगा। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने हमारा क्रोमा पीछे स्टैंड के साथ में लगाया हुआ है। आप चाहो तो उसको दीवार पे ठोक लो, आप चाहो तो दो पाइप के सहारे उसको बांध लो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ये क्रोमा लगाओ तो आपको इसमें एक भी सल नहीं आने चाहिए। सल से मेरा मतलब है, देखो भैया ऐसे रिंकल्स जो होते हैं ना, ये ऐसे वाले, ये रिंकल्स नहीं आने चाहिए, तो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, खील टोक देता हूँ। उसके लिए आप ऐसी ये इस टाइप की चटकनी आती वो लगा लो। ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सल आया तो एडिटिंग करते समय आपकी क्रोमा की वाट लग गई, आपका सर थोड़ा सा ब्लर ऐसा होगा, ठीक है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्रोमा का कर्टन आता है ना, कपड़ा देखो यार, ये कपड़ा, ये जो है ना कपड़ा, ये बहुत पतला कपड़ा, देखो ये पीछे ना, इसको अगर ठीक से देखोगे ना पीछे की वॉल भी दिख जाती है। तो कोशिश करो कि जब भी क्रोमा लगाओ तो क्या करो, दीवार से चिपका के लगाओ, हवा में मत लगाओ, इवन स्टैंड हो तो भी चिपका के लगाओ, क्योंकि सामने से तो लाइट आती है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट उस पार देखने लगता है, पतला बहुत नॉर्मल आता है। नहीं तो अस्तर नाम की चीज होती है, जैसे अभी मेरे पास में चैलेंज आ रहा है तो मैंने पीछे ब्लैक कलर का कपड़ा उसके पीछे लगा के रखा हुआ, आप उसको सिलवा लो, एक बार की मेहनत है, इंटेंशन से बच जाओगे, है ना। तो ये होता है क्रोमा का सेटअप, इस चीज का ध्यान रखना, सन नहीं आने चाहिए, ट्रांसपेरेंटली पीछे का दिखना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्रोमा कट करते हो ना, तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि यूजुअली हमें लगता है हम अपने आप पे लाइट दे दे, तो पहले अपने आप पे लाइट देते, तो जब भी आप अपने आप पे लाइट दो तो दोनों तरफ से, जैसे देखो यहां पर भी मैंने एक लाइट सेम लगा रखी है और यहां पर भी मेरी सेम लाइट लगी, हालांकि दोनों के वो अलग लगे हुए, बट आपको पीछे से दिखा देता हूँ, इस साइड से दिखाना। देखो ये भी SL60 लगी हुई है मेरी, ये SL60 लगी हुई है मेरी, और इस साइड पे देखो ये भी SL60 लगी हुई है मेरी। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो एक साइड कम लाइट रहती है, एक साइड ज्यादा लाइट रहती है। क्रोमा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्रोमा के केस में दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस है वीडियो मेकिंग की जर्नी में, और आप अपने चैनल को अगर सच में मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आज ही कोर्स लॉन्च करिए। कोर्स को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्लास प्लस, जहां पर आपकी हर वो छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और क्लास प्लस के साथ में आप कर सकते हो अपनी कोचिंग बिजनेस को 10x ग्रो। तो आज ही क्लास प्लस से अपनी ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन बनवाए और शुरुआत करें अपनी ऑनलाइन जर्नी की। प्रॉपर और इक्वल लाइट चाहिए ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एक साइड लाइट लगाते हो, एक साइड लाइट नहीं लगाते हो, ऐसा मत करना। अब दूसरी बात, आपने अपने आप को तो लाइट दे दी, ये लाइट लेफ्ट और राइट से ही देना, सामने से अगर आप लाइट दे दोगे तो आपकी शेडो बनेगी, शेडो बनेगी तो ग्रीन क्रोमा पे दिखेगी, क्रोमा पे दिखेगी तो फिर क्रोमा ठीक से कटेगा नहीं। तो अब आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लाइट देनी होती है क्रोमा के केस में। दूसरा, आपने अपने आप को लाइट दी, अभी भाई साहब ये क्रोमा भी लाइट का भूखा है, कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। रोहित भाई आप ऐसी एक फ्रेम इधर सामने खड़े जाओ, एक ऐसी फिक्स फ्रेम बना लेना, और अभी देखो ये मेरा क्रोमा कट रहा है ना, मैंने पीछे अच्छा सा एक एनिमेशन लगा दिया, नॉर्मल पिक्चर लगा दिया। अब मैं आपको मेरी जो लाइट है वो ऑफ कर देता हूं पीछे वाली। अब देखिए यहां पर अभी ये पिक्चर भी ठीक से कटेगी नहीं, पहली चीज। और दूसरा रोहित भाई अब तुम दिखाओ इसका डलनेस किसी दिख रही है, तो नॉर्मल हरे कपड़ों में देखो कि पीछे लाइट नहीं है और यहां पर डलनेस है। अब मैं लाइट चालू कर देता हूं, दो मिनट। अब देखो तो पीछे कैसी बिल्कुल लाइट आ गई है, प्रॉपर शेडो नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऐसे ऊपर क्रोमा के ऊपर ऐसी वाली लाइट लगा रखी है। आप ऐसा मत लगाओ, कोई बात नहीं, खर्च मत करो, आप सिंपली साइड से ऐसी दो लाइट ऐसे हैंग करके आती है ना साइड वाली, इस टाइप की लाइट दे दो, या टिल्ट करके कोई लाइट लगा दो। मतलब क्रोमा भी लाइट का भूखा है, उसको भी लाइट चाहिए, उसको भी बिना लाइट के काम नहीं करता, तो वहां पे क्रोमा पे लाइट डालना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है शूटिंग की, लाइटिंग तो अच्छी कर ली, मगर अगर मैं जाके यहां पे ऐसे खड़े हो जाऊं,
एकदम पास में, क्रोमा के पास में जाके ऐसे खड़े हो जाऊं, तो क्या होगा कि भैया ऊपर से जो लाइट आएगी, साइड से लाइट आएगी ना, ये क्रोमा की लाइट मेरे ऊपर गिरने लगेगी, जो कि बिल्कुल गलत है, उससे क्रोमा फिर ठीक नहीं कटेगा। तो क्या करना है आपको, ऐसे करना है, जब क्रोमा आपने लगाया है तो नीचे थोड़ा दिखाइएगा, 1, 2, 3, 4 कम से कम इतना दूर तो आपको खड़े रहना है, तो इतना दूर आप क्रोमा से दूर खड़े रहिएगा, पास में नहीं खड़े रहिएगा, ताकि उसकी जो ग्रीन वाली लाइट है आपके कंधों पे ना आए। तो यूजुअली लोग ये भी गलती करते हैं। अब इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्रोमा पे शूट करते हैं, मुझे पता था आज मुझे क्रोमा पे शूट करना है, एक अच्छा स्टूडियो कैसे बने, हमने बहुत शानदार सा स्टूडियो बनाया, उस पर हमने शूट करना था आज, तो मुझे मेरे रोहित भाई ने ये बोल दिया था कि यार सर आप इस बार ना ऐसा कपड़ा पहन के आना जो जिसमें ग्रीन ना हो। तो मैंने लाइट कलर का कपड़ा नहीं पहना, तो मैंने लाइट पहना है अंदर, पर ये बाहर की तरफ आप देखोगे मैंने डार्क कलर का पहना है। तो इस बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर का कपड़ा या लाइट कलर का कपड़ा क्रोमा पे नहीं पहना। तो क्रोमा पे जब शूट करो तो कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आपका कॉन्टेंट है, आपका वीडियो एडिटर है, और फिर तो बहुत ही आसान लाइफ है। फिर आप वेबकैम से शूट करो या महंगे से महंगे कैमरे पे, अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रॉपरली आप अच्छे से शूट कर पाओगे। अगर आपके मन में थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं यार क्रोमा का सेटअप थोड़ा सा और अच्छा होता तो हम और अच्छा कर पाते, तो अगर आपका बजट है तो यार हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपरली क्रोमा का सेटअप कंसल्ट करके लगवा के दे देगी किस तरीके से करना है, ये भी आप कर सकते हो। और अगर आप किसी टाइप के डिजिटल स्टूडियो या पैनल कैमरा कुछ खरीदना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में अगर आपके मन में थोड़े से भी डाउट है तो आप हमसे कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।